everyone, this is the first question of the day. You have to prove this. Obviously, open करके नहीं. गुड हिरण भाई, ठीक है. बाकी लोग, अभी तक दो तीन लोगों का ही आया है. शुभम एंड हिरण भाई का डन लिखा है. यश का भी हुआ. स्नेहल, गुड. क्या पहले उसमें अभी कुछ कॉमन लिया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो. लेकिन कुछ चीज नोटिस करो. वन ए ए बी सी. मुझको ए को ए स्क्वायर बनाना है, बी को बी स्क्वायर, सी को सी स्क्वायर. तो मैंने क्या कर दिया, पूरे डिटरमिनेंट को ए बी सी से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कर दिया. इस ए को मैंने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिटरमिनेंट में मल्टीप्लीकेशन रो वाइज या कॉलम वाइज होता है. तो वन अपॉन ए बी सी, दिस बिकम्स ए ए स्क्वायर ए बी सी, बी बी स्क्वायर. देखो यहां पे बी मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ए, सी सी स्क्वायर, सी ए बी. ऑब्वियसली अब ये वन अपॉन ए बी सी को सबसे लास्ट वाले कॉलम में ले चले गए, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो रो वाइज या कॉलम वाइज होता है. तो वन अपॉन ए बी सी, ये बन गया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, एंड आई एम डन. ऑब्वियसली इसके बाद रो ट्रांसफॉर्म मतलब रोज एक्सचेंज करके रो एंड कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म. ठीक है, वो करके देख लोगे. दो ट्रांजिशन शेल लगेंगे एंड उसके बाद हो जाएगा. तो मेन कॉन्सेप्ट ये वाला था जो फर्स्ट स्टेप किया है एंड सेकेंड स्टेप. उसके बाद एवरीथिंग रिमेन्स एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट करें. तो सारी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए और उनको यूज करना चाहिए. जब यूज करोगे तभी वो क्लियर आएंगी. If a1, a2, dot 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 are in GP, ये GP में है. You have to find log an, log an plus 1, log an plus 2. log a n plus 3, log a n plus 4, log a n plus 5, log a n plus 6, log a n plus 7. इसकी वैल्यू निकालना है. गिवन दैट दीज a's आर इन जीपी, ये एक जीपी की सीरीज है. सॉल्व करो सब लोग. हाँ आर्या, गुड. रीजन भी बता दो, मतलब कोई एक एक आंसर के साथ सब लोग वो बता दो, एक स्टेप बता दो जो लोग भी मुझको आंसर दे रहे हैं.
ओके सही है। आर्या रो की कॉलम यश क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो। बेसिकली सबसे पहले ये जीपी में है, तो कहीं ना कहीं मुझको जीपी का यूज करना होगा, लेकिन अभी पहले वैसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप करने के बाद मैं जीपी का यूज करता हूं। मैं कॉलम वन को कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री कर देता हूं, सी वन प्लस सी थ्री। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट ऐड हो रहे होंगे, तो लॉग में एडिशन क्या हो जाता है? आयुष सेकेंड क्वेश्चन है, ए एन प्लस टू लॉग बाकी दोनों कॉलम रिमेन सेम। ठीक है, अब यहां पे मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूं, ए एन मतलब ए आर की पावर एन माइनस वन, ए एन प्लस टू का मतलब ए आर की पावर, तो ए स्क्वायर और ये दोनों ऐड होंगे, दीज टू विल गेट एडेड, आर की पावर टू एन। तो नोटिस करो ये ए आर की पावर एन का होल स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस, ए आर की पावर फोर एन प्लस फोर, एन प्लस फोर एम आई राइट, नहीं एन प्लस थ्री, का होल स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा ए आर की पावर एन प्लस फाइव प्लस, ये सिक्स और ये सेवन नहीं होंगे ना, ये एट होगा ना, दिस वुड हैव बीन एट आई गेस, एम आई करेक्ट, या सेवन नाइन है, कुछ मैंने गलत लिख दिया ऊपर, सिक्स एंड एट है ना, देखो लॉग की ये पावर टू कहां जाती है, लॉग की पावर टू आगे आती है, ये सब एज इट इज रहेंगे और ये पावर टू आगे आके कॉमन ले लेंगे, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप में लॉग ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन बेसिकली ए एन प्लस वन, ए आर की पावर एन प्लस थ्री इज लॉग ए एन प्लस फोर, सिमिलरली एन प्लस सेवन। तो दो कॉलम सेम हो जाएंगे एंड यू कैन गेट द आंसर, एम आई करेक्ट। तो लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं, जीपी की प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं, एपी जीपी एचपी भी काफी बार यूज होता है मेरे डिटरमिनेंट्स में, और उसको करके आंसर लिया जाता है। यहां पे तो आंसर जीरो है, बट अलग अलग केस में अलग अलग आंसर आ सकता है। नेक्स्ट पी लैम्डा, ये क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था, हाँ विनीत,
क्वेश्चन है फाइंड एस एंड टी, तुम्हें एस निकालना है और तुमको टी निकालना है। हस्तान शायद दो क्वेश्चन हुए हैं इससे पहले, रिकॉर्डिंग में रहेंगे, सिंपल से क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन दे रखी है एंड आई हैव टू फाइंड आउट एस एंड टी। वेरी, बाकी लोग भी आंसर दो। यश टी गलत है, सही करो। विनीत एस एक बार डबल चेक कर लेना क्योंकि एस का मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन सही लग रहा है मुझको। प्रवीण प्लस माइनस की मिस्टेक। गुड आयुष सही है, विनीत सही है, एस शायद 70 और टी 18 है। टी निकालना तो बहुत इजी है, टी निकालने के लिए क्या करते थे पूरी इक्वेशन में दोनों साइड पुट लैम्डा इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू। तो पुट, लेट मी पुट लैम्डा इक्वल टू जीरो बोथ साइड, ठीक है। तो जैसे लैम्डा जीरो कर देंगे तो इधर तो सब जीरो हो गया, टी इक्वल टू जीरो माइनस वन थ्री वन टू माइनस फोर माइनस थ्री फोर जीरो, ऑल यू नीड टू फाइंड इज दिस डिटर्मिनेंट विच कम्स आउट टू बी 18, ठीक है। ये क्लियर होगा। हाउ डू यू फाइंड एस? यस सही है यश, बाकी लोग भी। कितने लोगों का एस आ गया था 70? रेज योर हैंड। नहीं हसन, डिटरमिनेंट सॉल्व करके नहीं, डिटरमिनेंट सॉल्व करके नहीं, आई डोंट लाइक सॉल्विंग डिटरमिनेंट्स। S इज इक्वल टू 70, ओके, कम लोगों का आया, आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर रिवाइज की होगे तो पता भी होगा कि कैन आई डिफरेंशिएट माय डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन याद है सबको, मैंने अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो देखो क्या हुआ, इधर बना 4p लैम्डा क्यूब, लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 3q लैम्डा स्क्वायर 2R लैम्डा प्लस S। अच्छा, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता था? अगर सिर्फ एक रो में वेरिएबल है, इफ द वेरिएबल इज ओनली इन वन रो, तब बहुत आराम से हो जाता था।
अदरवाइज अगर तीनों रोज में वेरिएबल है तो वन बाय वन, जैसे चेन रूल सॉरी यूवी रूल होता था ना, यूवी डब्ल्यू रूल, पहले एक रो को डिफरेंशिएट करोगे, दो को कांस्टेंट, देन ऐसे करके तीन पार्ट आते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे फर्स्ट रो में लैम्डा है तो मैं मुझे सिर्फ फर्स्ट रो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टू लैम्डा प्लस थ्री वन 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 टू माइनस फोर माइनस थ्री फोर जीरो। नाउ जो ऊपर वाला स्टेप था वो रिपीट कर देंगे, लैम्डा इक्वल टू जीरो डाल दिया तो इधर सिर्फ एस बन गया और इधर बन गया थ्री वन 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 टू माइनस फोर माइनस थ्री फोर जीरो। इसी को ओपन करके आई गेस 70 आ रहा है, मैंने चेक नहीं किया है बट काफी लोगों का ये आंसर सही होगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए। लेट्स डू वन गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी करते हैं। करें ए स्क्वायर प्लस सॉरी यहां समझ में आ रहा है क्या होगा? आई गेस अब सबको इक्वल टू जीरो, दिस होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। It represents a straight line. Find that line. ठीक है, क्वेश्चन को अगर और डिफिकल्ट बनाना होता या कुछ कुछ अलग बताना होता तो वो लाइन निकालने के बाद उस लाइन के ऊपर कुछ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन डाल सकता था। ठीक है, एज ऑफ नाउ ये सिर्फ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, आई हैव टू फाइंड दैट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, करो। ये एक बड़ा सा डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू जीरो है रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, आई हैव टू फाइंड आउट दैट लाइन।
गुड आयुष, आयुष का आंसर आया है, बाकी लोग आंसर लाओ। रेस्ट ऑफ द गाइस ट्राई टू गेट टू द आंसर। हाँ आंसर लो। हाँ सॉरी फोन आ गया था। और किसी का, किसी ने और ने आंसर दिया नहीं। हस्तांश कहीं कुछ तुमने सिली मिस्टेक की होगी, काफी कुछ मुझे तुम्हारा आसपास लग रहा है। बट सबसे पहले कुछ चेंजेस करते हैं। ये जो एक्स प्लस वाई हर जगह दिख रहा है, इसको मैं एक छोटा लिख देता हूं जिसमें मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। एक्स प्लस वाई मुझे बार बार लिखने में बहुत गंदा सा लग रहा है, ठीक है? तो कैन आई रीराइट दिस एज के, तो मैं इसको वापस नहीं, इनको मैं के लिख दे रहा हूं, इसमें वापस इतना मुझे लिखना ना पड़े। ये जो माइनस एक्स माइनस वाई है, तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा, इतना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज के। ठीक है, अब कुछ और करते हैं। पहले उससे मैं सबसे ए कॉमन लेता हूं, दूसरे से बी कॉमन लेता हूं, तीसरे से सी कॉमन लेता हूं। तो ए बी सी मेरा बाहर कॉमन हुआ, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अलग अलग मेथड है, किसी ने कुछ और मेथड से किया होगा तो इट इज ऑल्सो ओके। ए के दूसरे से बी कॉमन लिया है ना, थोड़ा सा नीचे करते हैं। पहले ए, अच्छा पहले उस पहले पहले कॉलम से ए कॉमन लिया है, तो यहां पे बनेगा बी के सी के, ठीक है? दूसरे उससे बी कॉमन लिया तो पहले बनेगा ए के बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी, वन माइनस के और सी के, ठीक है? और तीसरे उससे सी कॉमन लेंगे तो बनेगा ए के बी के सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी। ये बिल्कुल अभी जो कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था ना, थोड़ा बहुत उससे कर रहे हैं। लेने का रीजन ये था कि हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं, री मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए कॉमन लेने के बाद इस ए को मैं पहले रो में मल्टीप्लाई करता हूं, इस बी को मैं दूसरे रो में मल्टीप्लाई करता हूं, इस सी को मैं तीसरे रो में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है? तो ए पहले रो में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा सा सिमेट्री सी बन गई। ए स्क्वायर के बी स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि सबको मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं अभी सिर्फ दो ही रख रहा हूं, मैं
तीसरा वाला लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर मैं, देखो इतना लिखने के बाद अगर मैं यहां पे चलो लिख ही देता हूं सी स्क्वायर के, आर वन गेट्स कन्वर्टेड इनटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो पहली रो क्या बन जाएगी? देखो इनको ऐड किया तो पहली रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगी, क्योंकि जो माइनस के बी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगी, और सिमिलरली यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगी। नीचे के दो एज इट इज रहेंगे, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं बाहर। सिमिट्री यूज कर रहा हूं, वन 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 बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वन माइनस के, और ये वाला वन यहां पे हटा के दूर रखता हूं। वन बी स्क्वायर के, सिमिलरली तीसरी रो सी स्क्वायर के, सी स्क्वायर के, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन माइनस के, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? अब कुछ ना कुछ, जब भी तीन रो में वन 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 बन जाता है तो कहीं ना कहीं मैं सी वन माइनस सी टू एंड सी टू माइनस सी थ्री करके कुछ ओपन करने की कोशिश भी कर सकता हूं। तो मैं किसी को माइनस करके थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूं, तो मैं सी वन गेट्स कन्वर्टेड इंटू सी वन माइनस सी टू कर सकता हूं, सी वन माइनस सी टू, तो उसमें दो जीरो मिल जाएंगे। सी वन गेट्स कन्वर्टेड इंटू सी वन माइनस सी टू करेंगे तो पहला वाला ये भी जीरो बन जाएगा और लास्ट वाला भी जीरो बन जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में फिर ओपन कर देंगे। तो जब ओपन करेंगे, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर, यहां पे बी स्क्वायर के माइनस वन प्लस, सॉरी ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस, ठीक है। उसके बाद ये जब ओपन करोगे तो इससे वन माइनस के शायद कॉमन हो जाता है, सब लोग देखना, मैं इतना लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मूड नहीं कर रहा है। के माइनस वन कॉमन हो जाएगा और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ओपन करोगे ना सबको तो फाइनल में बता रहा हूं कि आएगा इसके बाद, क्योंकि दो जीरो आ गए, जहां पे भी दो जीरो आ गए तो मैं ओपन भी कर सकता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीन बार आएगा तो यहां पे क्यूब आएगा, और शायद वन माइनस के इंटू के माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा। तो इससे मुझे जो रिजल्ट मिला वो मिला, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज माय स्ट्रेट लाइन जो मुझे निकालनी थी। किसी ने कुछ और मेथड से किया होगा तो दैट इज ऑल्सो ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ यूज वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है कभी कभी, बट ठीक है, दैट इज ओके। के इज इक्वल टू वन ऑब्जर्व करके भी हो सकता था, एंड रीचेक कर सकते थे, मतलब काफी बार, क्योंकि इक्वल टू जीरो है ना तो पुट करके, बट ऑब्जर्व करने से ये चीज में इश्यू आ सकता था कि हाउ कैन यू बी श्योर कि दैट दिस विल रिप्रेजेंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन, देयर कुड बी टू स्ट्रेट लाइंस। के की वैल्यू वन भी आ सकती थी एज वेल एज के की वैल्यू टू भी आ सकती थी। तो एक आंसर तुम्हारा सही है, एक आंसर में भी मिस हो सकता था। मान लो यहाँ पे के माइनस वन कॉमन हो रहा था, कहीं पे के माइनस टू कॉमन हो रहा था, तो यू मे मिस सम ऑफ द सॉल्यूशंस। बेसिकली जेई मेन में तो नहीं होगा, फॉर जेई एडवांस यू नीड टू ऑब्वियसली ओपन इट, एंड मतलब ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आगे करें, डिफरेंशिएशन सबको पता है इसका, इंटीग्रेशन भी पता होगा आई गेस। डिटरमिनेंट्स में इंटीग्रेशन नाम की एक चीज होती थी। अगर एक रो में वेरिएबल है तो आई कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट इट, मतलब बट व्हाट हैपेंड अगर एक रो में वेरिएबल नहीं होता था तो फिर क्या होता था। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इंटीग्रेशन इज सिमिलर टू व्हाट इन डिटरमिनेंट्स, या इंटीग्रेशन इज सिमिलर टू व्हाट, व्हाट इज इंटीग्रेशन। समेशन, यस, इट इज बेसिकली एडिशन, डिस्क्रीट एडिशन एंड कॉन्टिन्यूस एडिशन। डिस्क्रीट एडिशन इज समेशन एंड कॉन्टिन्यूस एडिशन इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं, लिखना नहीं है सिर्फ देख लेना जिसमें याद आ जाए, अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन ये हुआ होता, इंटीग्रेट डेल्टा एक्स डी एक्स फ्रॉम वन टू टू, वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एक्स साइन पाई एक्स लॉग एक्स 139 माइनस 150, तो क्या कर रहे होते। सीधे सीधे एक स्टेप में ये क्या बन गया होता, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx, 139 माइनस 150। वाई, क्योंकि अगर सिर्फ एक रो या एक कॉलम में वेरिएबल्स हैं तो मैं इंटीग्रेशन को या समेशन को अंदर ले जा सकता हूं। एम आई राइट? यस नो, कुछ तो बोलो। यस ठीक है, लेकिन अगर एक रो से ज्यादा में वेरिएबल है उस केस में क्या होता था। जैसे अगर मैंने वापस क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू डू इफ दे आर वेरिएबल्स इन मोर देन वन रो, डेल्टा आर इज इक्वल टू यश, सही आंसर बोलो, गलत बोल रहे हो। अगर मान लो ये होते थे, एंड आई हैव टू फाइंड समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 10 डेल्टा आर, व्हाट डू यू डू देन, व्हाट डू यू डू इन दिस केस। हाँ आयुष करेक्ट है, नहीं हिरणमयी गलत है, यश गलत था, हसांश, देयर इज अ बेटर बेटर मेथड, क्योंकि नॉट नेसेसरी उससे हो हसांश जो तुम बोल रहे हो।
इजी क्वेश्चन के लिए मे बी पॉसिबल, नॉट फॉर अ गुड क्वेश्चन. बेसिकली इंटीग्रेशन या समेशन में सिंगल रो वाइज नहीं कर सकते थे, जो कि डिफरेंशिएशन में कर सकते थे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई यूवी डब्ल्यू रूल नहीं होता है ना. यूवी डब्ल्यू रूल ऐसा थोड़ी इंटीग्रेशन का होता है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट इंटीग्रेट सेकेंड, देन सेकेंड कॉन्स्टेंट इंटीग्रेट फर्स्ट. यूवी रूल वैसे वर्क नहीं करता ना इंटीग्रेशन में. तो इसमें जब भी इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन है तो द इजिएस्ट एंड 100% सॉल्वेबल, नॉट मे बी द इजिएस्ट बट 100% सॉल्वेबल, कि इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करके इसको सीधे सीधे आर में एक इक्वेशन ही बना दो, मतलब सॉल्व ही कर लो इसको. आर माइनस वन माइनस टू आर माइनस थ्री प्लस आर माइनस वन, समझ में आ रहा ना. माइनस वन माइनस फोर माइनस, और लास्ट वाला तो जीरो होगा. तो ये एक्सपेंड करके आर में एक डेल्टा आर बिकम्स इन टर्म्स ऑफ आर, देन आई कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट अपना एसएनएस वाली थ्योरी से. आर स्क्वायर का समीशन पता है मुझको, आर क्यूब का पता है, आर का पता है, ऑल द समीशंस वी नो. गॉट इट? सो इसमें यही करते थे फॉर इंटीग्रेशन एंड समेशन. फॉर डिफरेंशिएशन वी कैन ऑब्वियसली डू इट वन बाय वन. नेक्स्ट, किसी ने किया भी हो सकता है ये क्वेश्चन, सो स्टिल दे विल ट्राई इट यहीं पे. ये सब जेड 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 है. करो सब लोग, मैं गर्म पानी लेके आता हूँ, दो मिनट है.
गुड आयुष, आया सही है, बाकी लोग भी जिंका जिंका आगे। हाँ सांश करेक्ट है। बेसिकली इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है? होमोजेनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जीरो वाला, एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जब उसका डी जीरो होता है। कौन सा डी? कोफिशिएंट वाला, ए वन वन, वन बी वन, वन वन सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑब्वियसली एक है कि इसको सबको ओपन करो, सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो करो। मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज करके थोड़ा सा कोशिश करता हूं। मुझे ए माइनस वन या वन माइनस ए लाना है, बी माइनस वन या वन माइनस बी लाना है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आर वन माइनस आर टू एंड आर टू माइनस आर थ्री, या सी वन माइनस सी टू, सी टू माइनस सी थ्री, कुछ भी कर सकते हैं। एंड आर टू गेट्स कन्वर्टेड इनटू आर टू माइनस ए माइनस वन, वन माइनस बी, जीरो जीरो, वन वन सी। ठीक है, पहली चीज ये दिख गई। अब इसके बाद मैं ओपन कर लूंगा क्योंकि ये तो जीरो माइनस ए माइनस वन, सबको ओपन कर दिया, ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी माइनस ए माइनस वन, वन माइनस सी, प्लस वन माइनस बी, वन माइनस सी। ठीक है, मैं पूरी ये इस सी माइनस सी को मैं सी माइनस वन या सी माइनस वन प्लस वन लिख सकता हूं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सी माइनस वन से साथ ओपन किया तो वन माइनस वन, बी माइनस वन, सी माइनस वन, प्लस ए माइनस वन, बी माइनस वन को, और यहां पे एक माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये वन माइनस ए, ये सब इक्वल टू जीरो था। इसको इस साइड फेंका, इसको इस साइड फेंका, तो ये माइनस साइन का है, माइनस को एडजस्ट कर दिया, तो ये वन माइनस ए, वन माइनस बी, वन माइनस सी बन गया। और इसमें भी दो माइनस एडजस्ट हो सकते हैं, तो ये वन माइनस ए, अब पूरी इक्वेशन को इसके तीनों से डिवाइड कर देंगे तो इधर वन आ जाएगा और इधर जो हमको निकालना है वो बन जाएगा। एम आई करेक्ट? Am I correct? ठीक है, तो किसी ने कुछ और मेथड से ओपन करके भी किया हो तो हो सकता था, बट आई वुड प्रेफर दिस मेथड। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के किया, कुछ एक एक्सपेंशन जो सबको पता होने चाहिए वो मैं लिख दे रहा हूं डिटरमिनेंट्स के।
कैसे होते थे वो भी, वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। नोटिस करो सिमेट्री है। और ये सोचो अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर दूं तो दो रो सेम हो जाएगी ना, यानी दो रो सेम हो जाएगी तो वो जीरो बन जाएगा, यानी ए माइनस बी वुड बी माई फैक्टर। अगर a माइनस बी माई फैक्टर है तो दूसरा b माइनस सी वुड ऑल्सो बी माई फैक्टर, एज वेल एज c माइनस ए वुड ऑल्सो बी माई फैक्टर। और कितने डिग्री की इक्वेशन है, जीरो वन टू, यानी थ्री डिग्री की। क्या ये तीन डिग्री मुझको यहां पे मिल रही है, वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री, तो बैलेंस आउट हो गया। इसका मतलब मैं डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सिमिलरली एक और चीज, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। सबसे पहले नोटिस करो, क्या ए को बी से रिप्लेस करूं तो वो जीरो होगा, यस। तो ए माइनस बी इज अ फैक्टर, बी माइनस सी इज अ फैक्टर, सी माइनस ए इज अ फैक्टर। अब कितने डिग्री की इक्वेशन है, वन टू टू, यानी फाइव डिग्री की। यहां पे मुझे तीन डिग्री बनी बची, यानी टू डिग्री की एक और सिमेट्रिकल इक्वेशन चाहिए, टू डिग्री की सिमेट्रिकल इक्वेशन। किसमें, ए बी सी में। तो टू डिग्री की सिमेट्रिकल इक्वेशन ए बी सी में इधर इस तरह से होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा टाइम्स दिस प्लस के टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पे ऑब्वियसली थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है, दोनों आ सकते थे, कुछ भी आ सकता था, ठीक है। और इसको अगेन अपना जो हमने पिछली बार देखा था, इसको आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म आल्सो, वन बी स्क्वायर बी क्यूब, वन सी स्क्वायर सी क्यूब। हस्तांश, अगर मैं इस इक्वेशन में इस b को a से रिप्लेस कर दूं, इस b को a से रिप्लेस कर दूं, तो नोटिस करो ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे, दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अपनी फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू समथिंग द इक्वेशन बिकम जीरो, इट मींस x माइनस a इज द फैक्टर, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर। तो पुटिंग b इज इक्वल टू a और a इक्वल टू b, इफ द इक्वेशन इज बिकमिंग जीरो, इट मींस a माइनस b इज द फैक्टर, ठीक है। सिमिलरली वन वन वन, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, सिमेट्री है। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो मिल गया। कितनी डिग्री बची, सिर्फ एक डिग्री बची। एक डिग्री में सिमेट्रिकल इक्वेशन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट एंड वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बट वो एक्चुअली काफी लोग उसे भूल जाते हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। मुझको ये बताओ क्या यहां पे ए इक्वल टू बी करने से जीरो हो रहा है, ए इक्वल टू बी करने से जीरो हो रहा है? नहीं, यहां पे ए माइनस बी फैक्टर नहीं बनता है। इसका आपको सबसे पहले ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। एक चीज ये होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बनता है। इसका एक और फैक्ट ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
क्योंकि ये एबीसी में सिमेट्रिकल है। जब भी सिमेट्रिकल होते हैं तो सबसे पहला पहला स्टेप होता है आर वन गेट्स कन्वर्टेड इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, उसके बाद कॉमन हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाता है, और उसके बाद टू डिग्री की ये सिमेट्रिकल इक्वेशन। आपको ये भी पता होगा, ये जो अंदर लिखा है इसको और क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स, एम आई करेक्ट। एक चीज और जो शायद कुछ लोगों को शायद ना पता हो, जिनको पता है वेल एंड गुड, इसको एक और तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, वेयर ओमेगा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेयर ओमेगा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, आगे करें। आयुष, जब तक वो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सब न्यूमरेटर में ही है, तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए ना। नोन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जो सबको आता होगा, 1 2 0, 2 -1 0, 0 0 -1, prove that 5a inverse is equal to a square plus a minus 5i. मैंने प्रूव करने को बोला है, ऑप्शंस में रिलेशन भी निकालने को बोला जा सकता था, रिलेशन निकालने को बोला जाएगा तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, कौन सा मेथड है, क्या बोलते थे उसको, क्योंकि ऑप्शंस में प्रूव करने को नहीं आएगा, देयर वुड बी 5-4 ऑप्शंस जिसमें से कोई एक सही होगा, what is that method called, बोलो क्या इसमें इनवर्स निकालना है, do I need to find out inverse, नहीं substitution, नहीं हस्ताश, yes आयुष सही बोल रहे हो, characteristic equation, Kelly Hamilton equation, ए माइनस लैम्डा आई करते थे, याद है सबको, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो करते थे, बेसिकली 1 - λ 2 0, कौवे बोल रहे हैं तुम लोगों से ज्यादा, तो कौवे बोलते हैं यहाँ पे, जीरो जीरो माइनस वन माइनस लैम्डा, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट जीरो करते थे, उसको ओपन करते थे और लैम्डा के टर्म्स में एक इक्वेशन बनती थी, वो मैं इक्वेशन बता दे रहा हूं, लैम्डा के टर्म्स में क्या बन रही है, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5λ प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब द मोमेंट इसमें ये निकलने के बाद मैं लैम्डा को क्या पुट कर देता था, आई पुट माई लैम्डा एज ए, और 5 ये अब ये मैट्रिक्स बन गई ना, तो ये 5i हो गया, मैट्रिक्स में 5 नाम की कोई चीज नहीं होती, मैट्रिक्स में 5i होता है। ठीक है, और क्यों ए पुट कर सकते थे, खुद ही सोचो, यहां पे मैंने लैम्डा की जगह ए पुट कर दिया तो क्या ये 0 0 बन जाएगा, ए माइनस ए 0,
अब सीधे सीधे 5i इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 5a बन गया पूरे, उसको मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो 5a इनवर्स बना, इधर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5i बना, ठीक है। अपने आप जो क्वेश्चन में दिया होगा वो तुमको मिल जाएगा, उस पर तुम्हें ज्यादा फाइट मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट करें, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। करो, दो चार मिनट है, डू इट। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एल इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए, इन ए इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एम इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज डायगोनल matrix, p is equal to minimum number of zeros if a is a triangular matrix. Question mein kya de rakha hai, l plus 5 is equal to p plus 2m, then find n. Karo, mujhe n ki final value doge, take your time.
लोगों ने आंसर दिए हैं 5। एक बार डबल चेक करो जरा। दोनों लोग विनीत यश कहीं कुछ एक सिली मिस्टेक तो नहीं किया तुम लोगों ने? एक सिली मिस्टेक पूरा का पूरा क्वेश्चन उड़ा देगी। आयुष करेक्ट है। हिरन भाई वही मिस्टेक जो यश और विनीत कर रहे हैं। यू गाइस आर डूइंग द सेम थिंग। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ये सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, नीचे वाले सारे जीरो होते हैं तो अपर ट्राइंगुलर, या ऊपर वाले सारे जीरो होते हैं तो लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंग एंट्रीज की बात करूंगा मैं तो सबसे पहले नोटिस करो ये सारे एलिमेंट्स, ये जो व्हाइट वाले हैं ये क्या होने चाहिए? जीरो। तो ये कितने एलिमेंट्स होते हैं? ये होते हैं सब जीरो, तो ये कितने डिस्टिंक्ट? वन। ये जीरो है तो ये दिस इज अगेन काउंटेड एज अ एलिमेंट। जीरो इज अ एलिमेंट, जीरो इज नॉट अ ब्लैंक, जीरो इज अ एलिमेंट। डायगोनल में कितने होंगे? एन। और उसके ऊपर कितने होंगे काउंट करोगे? एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, या फिर इन दोनों को एड करके तुम एन एन प्लस वन बाई टू भी लिख सकते थे, इट्स द सेम थिंग। तो ये वैल्यू हुई एल की। लेट मी कम विथ एम। एम तो बहुत सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंग एलिमेंट इन डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो एन डायगोनल एलिमेंट्स प्लस सब जीरो, तो एन प्लस वन। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो, मिनिमम जीरो कितने होने चाहिए? इतने तो जीरो होने चाहिए ये नीचे वाले, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ये मैंने इसी वजह से यहां पे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू लिखा था, क्योंकि बेसिकली ये एन होते हैं ऊपर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होते हैं, नीचे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होते हैं, सब एड करोगे तो टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट बनते हैं, ठीक है? तो सीधे 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 मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, एल की वैल्यू और पी की वैल्यू और एम एन की वैल्यू, तो मेरा एन इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यस, काफी लोगों ने जीरो को डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं कंसीडर किया, वो एक मिस्टेक है। जीरो इज आल्सो अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है? चलो मैं एल को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक मैट्रिक्स इस तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर है n स्क्वायर माइनस n बाई टू एलिमेंट, नीचे है n स्क्वायर माइनस n बाई टू एलिमेंट, एंड डायगोनल में है n एलिमेंट्स। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज चाहिए। तो सबसे पहले अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, ये ऊपर वाले सारे डिस्टिंक्ट होंगे एज वेल एज डायगोनल डिस्टिंक्ट होंगे, और नीचे वाले डिस्टिंक्ट होने की जगह जीरो होंगे, लेकिन तो उस जीरो को भी तो वन काउंट करेंगे। तो यहां पे ये एक वन उस जीरो की वजह से आता है, ठीक है? एम आई करेक्ट? आगे करें।
बिल्कुल सिंपल सा है, करो ए एन बी आर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एंड ए एन बी कम्यूट ईच अदर, प्रूव दैट ए इंटू बी इज आइडेंपोटेंट। आयुष, वेरी वेरी गुड, सिंपल सिंपल सा था, होपफुली सब लोग कर लेंगे। कम्यूट ईच अदर का मीनिंग सबको शायद पता होगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि इन जनरल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। दे आर आइडेंपोटेंट मीन्स A square is equal to A and B square is equal to B. Am I right? मुझको क्या प्रूफ करना है? AB का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर वुड बी A into B into A into B. B into A वुड बी A into B. तो ये इनको मैंने कम्यूट कर दिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर इज बी, तो हेंस प्रूव्ड। ऑप्शन दे दे रहा हूं, करो। इधर में ही आंसर बताना, आंसर मुझे बताना सब लोग। हाँ सही है, आर्या करेक्ट है, इधर में ही करेक्ट है।
आंसर है पी की पावर 3 पी इनवर्स निकालने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पी इनवर्स प्लस आई प्लस पी प्लस अप टू पी की पावर एन माइनस वन बना, तो पी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई प्लस पी प्लस। तो अब नोटिस करो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू इज माइनस तो विच इज पी की पावर एन। तो माय फाइनल आंसर इज पी की पावर एन विच इज नॉट हेयर, तो डी इक्वल टू मतलब आंसर इज इन डी। एम आई करेक्ट? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ दिस बिगर ए इज अ सेट ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर 5 1s and 4 0s, फाइंड एन ए, बेसिकली नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन द सेट ए। आंसर बताओ। थोड़ा सही करना हिरन में सोच समझ के। विनी सही है, शिखर बेटा बहुत गलत है।
बाकी लोग भी आंसर दो, बहुत अभी तक सिर्फ विनीत का सही आया है, क्या बात है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन जिसका ट्रांसपोज सेम हो, 3x3 मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, देयर वुड बी टोटल 9 एलिमेंट्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैविंग 9 एलिमेंट्स जिसमें 5 1 हो एंड 4 0 है, तो सोचो सबसे पहले 5 1 है, यानी एक केस ये हो सकता है कि 1 1 1, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द चीजें होनी चाहिए वो इवन नंबर्स होने चाहिए, यानी बचे कितने, 2 1s बचे एंड 4 0s बचे। तो ये 3 तो फिक्स हो गए 1 1 1, अब ये जो 2 1 बचे ना, ये दोनों एक साइड नहीं हो सकते, सिमेट्रिक है ना, इधर 1 1 हेयर, यानी ये पहली मैट्रिक्स हुई, बाकी सब 0 0 हो जाएंगे, तो उसमें कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं हो सकता, या फिर मतलब मैं समझाने में जैसा भी लग रहा हो आप लोगों को, अगेन यहां पे 1 1 1 आया, अब जो 1 बचा वो अगर यहां आ गया तो यहां आ गया, बाकी सब 0 0 0 0, तो ऐसे करते हुए टोटल 3 होंगी, एक बार 1 यहां पे, एक बार 1 यहां पे, एक बार 1 यहां पे, तो यहां से 3 मिले, किस केस में, जिसमें बीच में तीनों जगह 1 हो, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, जरूरी थोड़ी हो कि बीच में तीनों जगह 1 हो। व्हाट विल हैपन अगर बीच में, क्या बीच में 2 1 हो सकते थे, नहीं हो सकते थे बीच में 2 1, क्यों, क्योंकि अगर बीच में 2 1 हो गए तो 3 1 बचे, और 3 1 से सिमेट्री आ ही नहीं सकती, तो बीच में सिंगल 1 हुआ, यानी 1 0 0 सपोज का, और कितने बचे, 4 1s एंड 2 0s, तो इसके भी 3 वेज होंगे सिमिलरली, ये जो 2 0 है उनको यहां पे 1 इधर 1 और, बट ये जो बीच वाले 1 0 0 है इसके भी टोटल 3 वेज हो सकते हैं, क्यों, एक बार 1 0 0 के लिए, एक बार 0 1 0 के लिए, एक बार 0 0 1 के लिए, तो यहां पे 3 और यहां पे 3 इंटू 3 वाई फॉर दीज 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, तो टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आंसर इज माई 12। आंसर इज माई 12। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आप लोग खुद से पढ़ लेना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में प्रीवियस ईयर्स के बस क्वेश्चन कर लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड है, यू डू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो मुझे लगा बचा है वो बचा है स्टैटिस्टिक्स बचा ना, और लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं करवाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग करके होता है लॉजिक वाला होता है ना, वो लॉजिक गेट्स वाला, लॉजिक गेट्स तो खुद से पढ़ना, वो नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ आपका स्टैट्स बचा है अब, ओके, रेस्ट एवरीथिंग डू इट योरसेल्फ, कूल, लॉजिक गेट्स वेट्स वाली चीजें वो खुद करना।
आयुष देखता हूं मैं। अब मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो एंड डू इट इन अ वेरी गुड वे, ठीक है? चलो एवरीवन, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, ठीक है, बाय।